गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 3 दिसंबर 2021 और आज हम ये आदर्श होटल भेड़ाघाट से निकलकर अपने अगले डेस्टिनेशन कवर्धा की तरफ जा रहे हैं। 64 योगिनी टेम्पल बिल्कुल होटल के पास ही है, वो हमारा एक देखना रह गया था। सबसे पहले हम वहाँ दर्शन करेंगे। ये हम 64 योगिनी टेम्पल ऊपर जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने, और ये 108 स्टेप्स ये ऊपर तक, आप देखिए 108 स्टेप्स हैं, ये चढ़कर आपको ऊपर जाना है। ये हम प्राचीन मंदिर में हम आ चुके हैं। ये यहाँ से 64 योगिनी टेंपल मंदिर के चारों तरफ ये कलाकृतियां देवी देवियों की यहाँ पर लगी हुई है, बहुत सुंदर। इतनी पुरानी सभ्यता हमारी मंदिर में, बहुत सारी मूर्तियां खंडित हो चुकी हैं। अभी हम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं। जो आप दर्शन ले रहे हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती नंदी वाहन पर विराजमान है गौरी शंकर भगवान। भगवान शंकर के यहाँ शिव विवाह के समय का विग्रह है, जो आपको और कहीं नहीं मिलता। यहीं पर एकमात्र मूर्ति है जो एक दर्शाती है कि भगवान शंकर माता पार्वती को विदा करा के हिमाचल राजा के यहाँ से ले जा रहे हैं कैलाश। बाहर आंगन में 64 योगिनियाँ हैं, माता पार्वती की 64 शक्तियाँ हैं, जिनको हम 64 योगिनी भी कहते हैं। वो बाहर आंगन में है, भीतर गणेश भगवान हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, शिव जी भगवान हैं। इस प्रकार से 10 मूर्तियाँ हैं। ये करीब 1200 साल से इसका प्राचीन इतिहास सातवाहन राजा को समझते हैं। ये जो ये स्थान है, ये भृगु ऋषि की तप भूमि है। भृगु महर्षि से यह स्थान जुड़ा हुआ है। भृगु महर्षि ने कभी यहाँ पर तपस्या किया है, उनके नाम से घाट है भृगु घाट, भृगु क्षेत्र। ब्रिटिश टाइम में भेड़ाघाट का नाम उसका बिगड़ गया। साढ़े 1200 साल से इसका इतिहास है और ये बहुत प्राचीन धरोहर है अपनी। और ये गौरी शंकर भगवान का तो बहुत दुर्लभ विग्रह है, आपको कहीं मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद पंडित जी। आपका नाम क्या है? महंत जितेंद्र पुरी जी। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए और हमारे को इतनी अच्छा ज्ञान दिया, शुक्रिया। मेन रोड से तकरीबन 1.5 किलोमीटर, पूरा 1.5 किलोमीटर ही है, 1.5 किलोमीटर नीचे उतर कर हम आए हैं। चिरी डोंगरी है, हमारे को किसी ने बताया था कि नर्मदा जी का व्यू वहाँ से भी आप कैप्चर करो, अच्छा है। तो मैं आपको यहाँ नर्मदा जी का व्यू दिखाने के लिए लाया हूँ। अबे नंगटे कहाँ जा रहे हो, कपड़े नहीं डाले हो? बच्चे मस्ती करते हुए आजा भैया। ये सामने मंडला डिस्ट्रिक्ट की सरहद पूरी, नर्मदा जी के जैसे मैं खड़ा हूँ लेफ्ट साइड में, और ये बीच में बहती हुई नर्मदा जी, ये नर्मदा मैया का पूरा नदी का बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही विराट व्यू, जैसे डैम हो। इतनी बड़ी नदी बिल्कुल दूर तक सीधी, बहुत ही सुंदर। और ये सामने सिवनी डिस्ट्रिक्ट, ये बोट से लोग मंडला से सिवनी जाते हुए, बहुत ही सुंदर। और पहाड़ियाँ यहाँ की, पठार, और ये नर्मदा जी आज पूरी धुंध सी बनी हुई है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और नर्मदा जी का बहुत ही अच्छा स्वरूप, बहुत सुंदर नर्मदा जी, इतने लंबा तट नज़र आ रहा है कई किलोमीटर का, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए चिल्पी घाटी, यहाँ पे बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है नटराज रेस्टोरेंट में हम लंच के लिए रुके हैं। और मुझे उससे मिलने के लिए कवर्धा से सोनू
उनके भाई नाम एक बार फयाज हाशमी ये आए हैं और बहुत अच्छा लगा, इन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। और ये देखिए, आप जब भी आप चिल्की घाटी आए तो यहाँ नटराज पे अपना लंच या डिनर आपको एक अच्छी व्यवस्था है, अच्छा खाना आपको यहाँ मिल जाएगा। तो यहाँ आप आकर रेस्ट कर सकते हैं और अपना डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी ले सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ आ गए हैं बैगा एथनिक रिसोर्ट में और यहाँ स्टे का आपका बहुत अच्छा बंदोबस्त है। ये वुडन कॉटेज के बाहर का व्यू, यहाँ टेबल चेयर, आप शाम को बैठ के यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, मौसम का आनंद ले सकते हैं। ये इनकी एंट्री और इधर ये देखिए व्यू, आप रूम का व्यू देखिए, स्पेशियस रूम है वुडन का। और इधर ड्रेसिंग, यहाँ पर पहले आपको ड्रेसिंग मिल जाएगा, ये ड्रेसिंग है, इसमें आपको एक अलमीरा और ये एक वॉशरूम का गीजर वगैरह सब अरेंज किया हुआ है। ये इनके वुडन कॉटेजेस हैं जिसका रेंट 5000 ये चार्ज करते हैं और आजकल 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। आप चिल्पी घाटी आते हैं तो यहाँ कोई आपको वाइन शॉप, अल्कोहल शॉप आपको नहीं मिलेगी, ये एक महत्वपूर्ण सूचना टूरिस्ट के लिए। चिल्पी घाटी में किसी तरह की वाइन शॉप आपको नहीं मिलेगी। ये हम रिसोर्ट से पैदल ही वॉच टावर पर आ गए हैं, यहाँ वॉच टावर बना हुआ है जहाँ से आप साइड व्यू सारा ले सकते हैं। देखिए ऊपर चल के, हेलो हेलो, आपका नाम क्या है? प्रियांशु। अरे प्रियांश फूल झेले। प्रियांश फूल झेले, वेरी गुड। हेलो हेलो दोस्तों, यहाँ देखो सब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हुए हैं। और ये भी जो एक हमारे में समानता है, जैसे मैं बोलता हूँ मैं संजय और मेरी एक्सेल 6, और ऐसे ही ये अपनी एक्सेल 6 पर आए हैं। दोस्तों देखिए यहाँ से आपको व्यू नज़र आता है जो चिल्पी घाटी का, अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ आना मिस ना करें। यहाँ का वेदर और ग्रीनरी देखते ही बनती है। अब मैं एक आपको हिस्टोरिकल सीन दिखाता हूँ। ये मुगल राज से लेकर अंग्रेजों का शासन आया और हमारे हिंदुस्तान में शासन हुआ, अब ये नहीं समझ आ रहा कि ये पान की जो पी के थूके ये छत पे कैसे फेंकी और क्या उनके मुंह पर नहीं गिरी, फेंकने वाले के मुंह पर नहीं गिरी, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा ये कैसे फेंकी है। जरा इसके ऊपर कमेंट जरूर करना कि ये लोग ये ऐसा क्यों कर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज 4 दिसंबर 2021 और हम लोग हैं चिल्पी घाट। कल हम दोपहर को चिल्पी घाट पहुंच गए थे और आज हम जाएंगे यहां पर देखने पीड़ा घाट। यहां एक वॉच टावर है जहां चिल्पी घाट का बहुत अच्छा व्यू नज़र आता है। तो आप, मैं, संजय और हमारी एक्सेल 6 चल रहे हैं देखने वॉच टावर पीड़ा घाट। सालहेवारा गांव। दोस्तों यहां पर ना तो सिग्नल है और ना ही कोई बताने वाला है, लेकिन हम भी अपने जैसे जैसे कच्चा पक्का रास्ता आगे बढ़ रहा है हम लोग जाते जा रहे हैं और हमें सिर्फ अपनी डायरेक्शन पता है कि किस तरफ जाना है, वॉच टावर की तरफ, पीड़ा घाट वॉच टावर। यहाँ हमारा जीपीएस भी हमें धोखा दे गया,
पहले से डेस्टिनेशन दिखाने लग गया, जबकि अभी अभी हमको बहुत आगे जाना है। देखते हैं कहाँ जाता है ये रास्ता, क्योंकि कोई भी बताने वाला यहाँ है नहीं। दोस्तों तकरीबन 5 किलोमीटर ये कच्ची सी सड़क पे चलने के बाद हम लोग ये लास्ट पॉइंट रोड यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है। इधर एक निरीक्षण ग्रह प्रतिबंधित क्षेत्र भोरमदेव अभयारण्य कवर्धा वन मंडल कबीर धाम, इनका ये ऑफिस बना हुआ है। तो ये जंगल का यहाँ पे निगरानी करने के लिए कुछ हो रहा होगा। यहाँ से इन्होंने बताया कि ये पैदल हमको यहाँ चल के ऐसे जाना होगा। इस तरफ आगे वॉच टावर बना हुआ है, अब इधर से हम लोग चल के वॉच टावर की तरफ जा रहे हैं। रास्ता पथरीला सा है, संजय कंफर्म कर रहा था कि यहाँ कोई जानवर वगैरह तो नहीं है। वो बोले जानवर तो हैं लेकिन दिन में नहीं आते हैं, रात में तो फिर भी डर रहता है, रास्ते में भी आपको मिल जाएंगे, दिन में तो वो आपको देखकर भी छुप जाएंगे। जंगल के एरिए में आता है इसलिए पर्यटक यहाँ आते हैं तो ये थोड़ा सा चलने का ये रास्ता बना दिया है। इधर एकदम फ्रेश एयर जड़ी बूटियों की बहुत ही, हमने तो यहाँ पर मास्क नहीं लगाया। लंगूर, बड़े बड़े लंगूर, आजा आजा आजा, कुछ नहीं कहेगा। ये संजय डंडा लेके और आगे बड़े बड़े लंगूर हैं। ओए होए, एक नहीं कई सारे लंगूर, पूरा का पूरा झुंड है। अभी इन्होंने रास्ता साफ कर दिया, नहीं तो बहुत बड़े बड़े लंगूर यहाँ आते थे। ये है जी वॉच टावर, अभी हमको इसके ऊपर चढ़ना है और यहाँ से वॉच करना है चिल्पी घाट को। वाह क्या बात है, ये यहाँ तक आते ही पूरा जंगल, अरे वेरी गुड, बहुत ही सुंदर जंगल ही जंगल दिख रहा है यहाँ, बहुत ही बढ़िया। अभी हम और ऊपर चलते हैं, चलिए देखिए आप। संजय लंगूरों पर अपनी बंदूक उनको डराने की कोशिश कर रहा ताकि पास में ना आए। यहाँ आकर नजारा और बदल गया, एक स्टेप ऊपर आते ही ये हम पहाड़ियों से बिल्कुल एकदम जैसे हम हिमाचल और उत्तराखंड जाते हैं बिल्कुल उस टाइप का व्यू यहाँ बन गया। लेकिन बिल्कुल जंगल चारों तरफ, कोई व्हीकल नहीं है, कोई घर नहीं दिख रहा, कुछ भी नज़र नहीं, सिर्फ ग्रीन ही ग्रीन, पूरी हरियाली चारों तरफ नज़र आ रही है, जंगल नज़र आ रहा है, सब बहुत सुंदर। ओहो ये शीशे का इन्होंने बनाया यहाँ, लेकिन नीचे जाल भी लगाया, बाई चांस टूट जाए तो जाल में जाके आदमी पड़े। ओह बाप रे, चलने में नीचे देख के चक्कर आते हैं,
पूरा ग्लास का बना हुआ है, ज्यादा नीचे देखेंगे तो चक्कर आने लगेंगे। दोस्तों ये चिल्पी घाटी में पीड़ा घाट के अंदर एक वॉच टावर है, यहाँ से इतना खूबसूरत दृश्य, चारों तरफ हरा ही हरा, बिल्कुल ग्रीन, और कहीं भी आपको सड़क, ट्रैफिक, कोई घर, कोई झोपड़ी, कुछ भी बना हुआ यहाँ नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये वॉच टावर। और संजय और मैं इस समय दो जने यहाँ पर हैं पूरे जंगल के बीच में, और बहुत ही सुंदर सीन है, जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक ये छत्तीसगढ़ चिल्पी घाटी का जंगल ही जंगल, और चारों तरफ पहाड़ियाँ, पूरी घिरी हुई पहाड़ियों से घिरे हुए एक बीच की पहाड़ी पर ये वॉच टावर बनाया गया है, जो कि बहुत ही सुंदर दृश्य और मन को लुभाने वाला एक दृश्य, कि सारा दिन यहाँ बैठकर हम इस प्राकृतिक सौंदर्य को निहार सकते हैं। ये चिल्पी घाटी से वापसी आते हुए बहुत ही सुंदर रास्ता है, और बहुत ही ग्रीन और बढ़िया व्यू यहाँ पे आपको मिलते हैं, सफर का आप आनंद लेते हैं। दारा का बहुत ही सुंदर रास्ता, एकदम ग्रीन, यहाँ भी जंगल में बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, बहुत ही सुंदर सड़क तो कच्ची है, लेकिन जो ग्रीन है यहाँ पे बैठ दोनों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, उधर भी और इधर भी दोनों तरफ की एकदम। ये हम इस रास्ते से आए हैं रानी धारा वाटरफॉल, यहाँ छोटा सा कोई वाटरफॉल है, ऊपर जाकर अभी देखते हैं, और यहाँ चारों तरफ का जो एटमॉस्फेयर है, ग्रीनरी बहुत ही सुंदर, यहाँ एक छोटा सा पार्किंग के लिए जगह बनी हुई है, और सामने सीढ़ियों से ऊपर जाना होगा। देखिए व्यू, देखिए कितना सुंदर है, लेकिन छोटे छोटे स्टेप हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े स्टेप हैं, आराम से चल सकते हैं हम लोग। ये पीछे का व्यू मैं दिखाता हूँ, संजय हमारे पीछे पीछे, ये बच्चा भाग के आता हुआ अभी हमें हाय हेलो करेगा। ये कल हमें मिले थे रिसोर्ट के पॉइंट पर, आज दोबारा मिले। हेलो, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, अभी ये बेबी हमें हेलो करेगा। वही हुआ है ना। तो देखा, हेलो बेटा, मैं पहले से ही बोल रहा था अभी हेलो करेगा वो। कौन से आपको याद कर रहा है? अच्छा, बहुत बड़ा आदमी बन गया बनता। बनेगा बनेगा, वो भी बनेगा। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। लेट हो गए? नहीं, हम तो पीड़ा घाट होकर आए हैं। Thank you.
ये ऐसे पैड़ियों से उतरते हुए बिल्कुल अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और अपना टूर का टूर हो जाता है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, फिटनेस बनी रहती है, पसीना निकल जाता है बिल्कुल, खाया पिया सब हजम। जितना भी आप हैवी खाना खा रहे हो उस पर एक उसमें पूरा हो जाता है। दोस्तों अब हम ये रानी धारा क्रॉस करकर ये मोहरम देव जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये जंगल में से रास्ता निकलता है, यहाँ एंट्री करते हुए बकायदा गाड़ी की एंट्री को कितने आदमी हैं और ड्राइवर कौन है, गाड़ी चला रहा है, सब एंट्री करते हैं सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि यहाँ पूरा घना जंगल है दोनों तरफ और यहाँ लेपर्ड भी बाहर बोर्ड पे लगा था कि एरिया में लेपर्ड भी है, लेकिन दिन के समय नहीं मिलते हैं, रात में ही दिखते हैं। मैं चाचा का बायोस्कोप से आपका स्वागत करता हूं। मैं यूट्यूब व्लॉगर हूं और घूमते घूमते मोहरम देव टेम्पल और अब आपके फार्म हाउस में पहुंचा हूं। जी तो प्लीज पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं मिसेस प्रेरणा सिंह, अभी हम मोहरम देव शिफ्ट हो गए कोविड से, और उसके पहले मैं वर्किंग थी रायपुर में। मैं अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे दर्शकों को अपनी प्रॉपर्टी के बारे में दिखाएं जी। और यहाँ के उनको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है और क्या है बिल्कुल। वो भी पूरा बताएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जलेश्वर यादव सर। जलेश्वर यादव, नानू के नाम से जानते हैं है? नानू के यादव के नाम से जानते हैं। नानू यादव ये हमें मोहरम देव टेम्पल घुमाएंगे दोस्तों, और चलिए इनके साथ हम मोहरम देव टेम्पल घूमते हैं।